स्वच्छ भारत मिशन के तहत चतरा शहर में अब सफाई कर्मचारी घर घर जाकर एकत्रित कूड़ा उठाएंगे। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सह स्थानीय विधायक सत्यानंद भोक्ता व नगर पालिका की अध्यक्ष और गुंजा देवी तथा पार्षदों की मौजूदगी में कूड़ा उठाव के लिए 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री श्री भोक्ता ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार ने चतरा नगर पालिका के माध्यम से 10 वाहनों का क्रय किया है ताकि गली मोहल्लों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जा सके। इसके तहत शहर के सभी वार्डों में कूड़ा उठाया जाएगा। श्रम मंत्री ने कहा कि चतरा शहर को स्वच्छ और सुंदर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर इस कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। चतरा के साफ सफाई के लिए नगर परिषद में 10 गाड़ियां जहाँ जहाँ कूड़ा है, खराब है, गंदगी है, तो साफ सफाई के लिए राज्य सरकार द्वारा गाड़ी खड़े किया गया और नगर परिषद में हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय और नगर परिषद के सचिव साहब और मेयरपति तमाम अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नगर परिषद को साफ सफाई के लिए बेहतर काम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि नगर परिषद में जितना सड़क खराब है, नली है, हम लोग पूरा सब मिलजुल के पूरा प्रयास करेंगे कि चतरा शहर का विकास एक आदर्श रूप में हो और मॉडल नगर परिषद के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते थोड़ा विकास में धीमी आई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वायरस धीरे खत्म होगा हम लोग विकास गाड़ी तेजी से सफलता से बढ़ाएंगे। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।